हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य एंटरटेनमेंट टेक में, और मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त राजीव ब्रजवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ होता है, वह किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। भारत सरकार द्वारा बहुत ही बेहतरीन योजना चलाई गई है। अब सवाल ये आता है कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं। वैसे तो हर वर्ग का व्यक्ति इस कार्ड को बनवा सकता है, लेकिन सरकार द्वारा इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो 2011 की जनगणना से ही आयुष्मान कार्ड की जो सूची तैयार की गई है, लेकिन बीपीएल परिवारों को भी इस सूची में रखा गया है। अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है, लेबर कार्ड मतलब कि मजदूर कार्ड बना हुआ है, तो ऐसे में आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार के द्वारा मजदूर कार्ड धारकों को भी इस आयुष्मान योजना से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा राशन कार्ड लिस्ट हो या आयुष्मान कार्ड लिस्ट या अन्य सरकारी योजनाओं की कोई भी लिस्ट, नगरीय क्षेत्र में वार्ड नंबर के हिसाब से और ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर से जाती है। समस्या ये है कि जब तक वह लिस्ट आप तक पहुंचेगी, पता नहीं उस लिस्ट में कितने पेज गायब कर दिए जाएंगे। यह बाकी मैंने खुद ग्राम पंचायतों में होते हुए देखा है। आयुष्मान लिस्ट की बात करें तो मैंने ऐसे व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया है जिनका मैनुअल लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन जब मैंने आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन चेक की तो उस लिस्ट में मैंने ऐसे नाम भी देखे हैं जो कि ग्राम पंचायत में पहुंची लिस्ट में नहीं थे। इसी से प्रेरित होकर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है ताकि आप सभी हर भारतीय नागरिक ऑनलाइन लिस्ट चेक कर सके और आयुष्मान योजना का लाभ ले सके। फ्रेंड्स, आयुष्मान लिस्ट को कई बार अपडेट किया जा चुका है और ये लिस्ट आगे भी अपडेट होगी, क्योंकि सभी राशन कार्ड धारकों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए आपको समय समय पर ऑनलाइन लिस्ट को चेक करते रहना है। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आप ऑनलाइन लिस्ट चेक करने के साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति आयुष्मान योजना से जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले गूगल में टाइप कर लेना है pmjy.gov.in। टाइप करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां से मेनू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ और नए ऑप्शन ओपन होंगे। इनमें से आपको पोर्टल्स में आ जाना है। यहां आप आयुष्मान मित्र पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आयुष्मान मित्र पेज ओपन होगा। अगर आप आयुष्मान मित्र बनकर जनसेवा करना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आयुष्मान लाभार्थी लिस्ट देखने के लिए आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। यहां क्लिक हेयर का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से मैसेज शो होगा, ओके करेंगे। ऊपर जो ओटीपी सेंड किया गया है उसे इस बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके बाद ही कैप्चा कोड यहाँ टाइप करेंगे, लॉगिन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर से एक नया पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप अपना राज्य चुनेंगे, यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। इसके बाद अपना जिला चुनेंगे, तो यहाँ से मैं कोई भी एक जिला, चलिए मैं जिला बिजनौर चुन लेता हूँ। ब्लड टाइप में अगर आप शहर में रहते हैं तो यूएलबी चुनेंगे, और ग्रामीण इलाके के लिए ब्लॉक चुनेंगे। यहाँ ब्लॉक नेम में अपने ब्लॉक का नाम चुनेंगे, यहाँ से मैं अफजलगढ़ चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से जिस गांव की आप आयुष्मान लाभ की लिस्ट देखना चाहते हैं उस ग्राम को चुन लेना है। अगर यहाँ आपने कोई भी जानकारी गलत दर्ज की है तो रिसीट पर क्लिक करके दोबारा दर्ज कर सकते हैं। आप सर्च पर क्लिक करेंगे, जो भी ब्लॉक क्षेत्र आपने चुना है उसका नाम और विलेज का नाम यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप आयुष्मान लिस्ट को जिप फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड एस जिप फाइल पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए मैं पीडीएफ फाइल ही डाउनलोड कर देता हूँ। दोस्तों, आपको पीडीएफ फाइल ओपन करके ही दिखाऊंगा। पहले मैं इसे
लॉग आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम डाउनलोड में चलेंगे, इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ये कंप्लीट आयुष्मान कार्ड लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो कोई भी आपका आयुष्मान कार्ड बनने से नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, ये सभी HHD नंबर हैं, इनके द्वारा ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। दोस्तों, में कोई फेक न्यूज नहीं है और ना ही मैं कोई फेक वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो के संबंधित अगर आपको कोई राय या सुझाव है या कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।